हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर टू ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। दिस इज द सेकेंड चैप्टर इन विच वी विल डिस्कस अबाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसमें जो पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, की पॉइंट्स जो पढ़ेंगे वो आगे के चैप्टर्स में आपको काफ़ी यूज़ आने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। लैटिट्यूड मीन्स वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल मीन्स लॉन्गिट्यूड मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, लैटिट्यूड वर्टिकल लाइन, लॉन्गिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रेड दैट अवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्पीयर। पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा कि अर्थ क्या है, एक स्पीयर, एक परफेक्ट स्पीयर नहीं है। ठीक है, वो किस फॉर्म में है, जियोइड। ठीक है, जियोइड फॉर्म में है, जियोइड फॉर्म में है, तो फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है, ये जो है आपका नॉर्थ पोल है, ये हमेशा याद रखेंगे, और ये आपका क्या है, साउथ पोल है। तो यहाँ पे क्या है, जो अर्थ फ्लैट टाइप का है, ठीक है, फ्लैट टाइप का है, और बल्ज इन द मिडल। अब यहाँ पे जो है मिडल जो पार्ट है इसका कैसा है, मोटा है। ठीक है, मोटा फैला हुआ है। ठीक, उसके बाद आगे देखेंगे, कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स, और यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन द क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। ठीक है, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ठीक है, आप आपके स्कूल वगैरह में अगर ग्लोब होगा तो आप उसको देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, अर्थ का एक मिनिएचर फॉर्म, एक छोटा फॉर्म में उसको मॉडल किया गया है ग्लोब में। ठीक है, ग्लोब कैसा वर्ड है ये देख लेते हैं। ग्लोब एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, एक लैटिन वर्ड ग्लोबस से बना हुआ है। ठीक है, GLOBUS ग्लोबस से बना हुआ है, जिसका मीनिंग क्या होता है, राउंड बॉडी। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ग्लोब मे बी ऑफ वेयरिंग साइज एंड टाइप, बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड इजली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बलून्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद ईज। ठीक है, ग्लोब्स है वेरिंग साइज और शेप्स में हो सकते हैं, टाइप में हो सकते हैं, सॉरी शेप में नहीं हो सकता, ग्लोब मे बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप। ठीक है, अलग अलग टाइप में हो सकते हैं। बिग वन जो बड़े ग्लोब्स हैं वो एक जगह रखने के लिए होते हैं, जैसे कि आपके स्कूल में है, हम एक जगह उसको रखते हैं, वहाँ जाके आपको देखना है। पॉकेट ग्लोब्स जो छोटे छोटे ग्लोब्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। उसके बाद है ग्लोब लाइक बलून्स, ठीक है, एक बलून के फॉर्म में होता है जिसको आप कभी भी फुला सकते हैं। ठीक है, उसमें हवा भर के हम फुला सकते हैं और कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड एंड इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड। तो जैसे कि एक पॉटर्स व्हील, ठीक है, कुम्हार का जो चक्का रहता है उसको हम घुमा सकते हैं, वैसे ही हम इस ग्लोब को भी घुमा सकते हैं। और कहाँ पे से घूमेगा, ये जो इसका पॉइंट है वहाँ पे से ये घूमेगा। ऑन द ग्लोब कंट्रीज कॉन्टिनेंट ओशंस आर शोन इन द करेक्ट इन देयर करेक्ट साइज। ठीक है, और ये जो छोटा सा ग्लोब है, छोटा सा फॉर्म है, इसमें जो है कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स वेजिटेशन सारी चीज़ें आप देख सकते हैं एक मिनिएचर फॉर्म में, एक छोटे फॉर्म में। ठीक है, एक छोटू सा अर्थ इसको मान के हम चलेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्पीयर लाइक अर्थ। ठीक है, ये जो अर्थ का जो मिनिएचर है, इसमें आप देख सकते हैं कि इस छोटे से इस स्पीयर में किसी भी पॉइंट को लोकेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे लोकेट, कैसे करेंगे वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज़ क्या हुआ, पहला यूज़ ये है कि ये हमको अर्थ का सरकमफेरेंस फाइंड करने के लिए यूज़ में आता है। लोकेट कर सकते हैं हम किसी भी प्लेस को, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से लोकेट कर सकते हैं, और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम किसी भी प्लेस का टाइम, ठीक है, एक फिक्स टाइम नहीं होता अर्थ में कहीं पे भी, तो हम इस टाइम को भी लॉन्गिट्यूड के मदद से जान सकते हैं। आप जानते होंगे, आपने सुना होगा कि लंदन में जो टाइमिंग चल रहा है और हमारे इंडिया में जो टाइमिंग चल रहा है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, अप्रॉक्स 500 आवर्स का डिफरेंस होता है। तो इस तरीके का डिफरेंस क्यों है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। आगे देखते हैं, वी नीड सर्टन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। ठीक है, इसी रेफरेंस, इसी लाइन को हमको आगे पढ़ना है। तो यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। ठीक है, ये जैसे है, ये आपको दिख रहा है, ये है एक इमेजिनरी, ये है एक लाइन, ठीक है, जिससे ग्लोब रोटेट होता है, और ऐसे ही लाइन में ऐसा ही टिल्टर, टिल्टर मतलब तिरछा, अर्थ भी रोटेट होता है अपने एक्सेस में। ठीक है, तो
इसी जो ये जो ये जो ये जो पॉइंट है इसी को क्या बोलते हैं एक्सेस. अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड एक्सेस. इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं एक्सेस. लेकिन एक्चुअली जो है अर्थ में ऐसी कोई लाइन नहीं है, ठीक है, अर्थ में ऐसी कोई लाइन नहीं है. वो क्या है, एक इमेजिनरी लाइन जिसमें जिसको हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि इस लाइन में जो अर्थ है वो रोटेट कर रहा है. आगे देखेंगे, टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस कैन बी मूव्ड थ्रू. नीडल पासेस आर टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ये मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है. द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज अर्थ रोटेट्स. अर्थ मूव्स, ठीक है, अर्थ ऐसे ही मूव करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. बट रिमेंबर देर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल, इट मूव्स अराउंड इट एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन. जैसे कि मैंने बताया कि एक्सिस ऐसा कोई एक्सिस नहीं है, वो एक इमेजिनरी लाइन है. वो हम स्टडी करने के लिए उसको इमेजिन करते हैं कि हाँ एक इमेजिनरी लाइन है, उसके अराउंड ही उसी के एक्सिस में वो रोटेट कर रहा है. अर्थ क्या है, रोटेट करते जा रहा है, ठीक है. एक्सिस क्या है, इमेजिनरी लाइन, टिल्टेड है ना. यहाँ पे ये क्या है, टिल्टेड है, ठीक है. ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये क्या है, टिल्टेड है, थोड़ा सा टिल्ट है. और इसका डिग्री कितना है, कितना डिग्री टिल्टेड है, 23 and a half डिग्री टिल्टेड है, ठीक है. कितना टिल्टेड है ये, 23 degree half, ठीक. आगे देखेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे. अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड द अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट. दिस लाइन इज नॉन एज इक्वेटर, ठीक है. एक और इमेजिनरी लाइन है, ये जो इमेजिनरी लाइन है ये क्या हो गया आपका, एक्सिस. और ये जो एक इमेजिनरी लाइन है ये दिख रहा है आपको, है ना, ये जो लाइन है, ठीक है, यहां से ऐसे सर्कल में जाएगा. ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है आपका, इक्वेटर, ठीक है. ये लाइन आपकी क्या होगी, इक्वेटर, ठीक. अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट. Divides it into two equal parts. This line is known as equator. The northern half of the earth is known as northern hemisphere and the southern half is known as southern hemisphere. ठीक है, तो ये जो है, ये जो imaginary line है, ठीक है, ये जो imaginary line है आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो imaginary line है, अगर हम इसको, ये equator है, तो ये जो इसके ऊपर का जो part है उसको हम क्या बोलेंगे, northern hemisphere. और इसके नीचे का जो part है वो क्या है, southern hemisphere. They are both equal halves, ठीक है. ये दोनों equal halves है, equal part में है. Therefore, the equator is an imaginary line and is very important reference point to locate places on the earth. All parallel lines from the equator up to the poles are parallel of latitude and latitudes are measured in degree. ठीक है, ये जो equator है इसके आगे, इसके ऊपर और नीचे से सारे lines जो है circle में जाते हैं. और ये यहाँ पे क्या हो जाते हैं, converge. North और South pole में क्या होते हैं, ये जाके converge हो जाते हैं. Converge हो जाना मतलब मिल जाते हैं. तो यहाँ से जो इक्वेटर, इक्वेटर का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, 0 degree, ठीक है. इक्वेटर कहाँ पे लोकेटेड है, अर्थ पे, 0 degree पे. और इसके ऊपर, ठीक है, डिग्रीज अपने अपने डिग्रीज में, ठीक है, एक सिंगल डिग्रीज, 10 degrees, 15 degree, ऐसे ऐसे अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये लाइंस हैं, ठीक है. और ये जो लाइंस है ये क्या है, पूरी के पूरी पैरेलल, एक दूसरे से पैरेलल. पैरेलल लाइन के बारे में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. तो ये एक स्पीयर है, इसमें ये क्या है, सारी जो पैरेलल लाइंस है इसको डिवाइड किया गया है ताकि हम अर्थ में लोकेशन को लोकेट कर सके. तो लैटिट्यूड्स आर मेजर इन डिग्रीज, ठीक है. कैसे मेजर करते हैं लैटिट्यूड को, डिग्री में. तो इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 degree लैटिट्यूड, ठीक है. मैंने आपको बताया इक्वेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 degree लैटिट्यूड. द सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज आइदर टू आइदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ, इट विल मेजर हाफ ऑफ 1/4 ऑफ 360 degree, दैट इज 90 degree. दस 90 degrees नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 degree साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल, ठीक है. अब यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से अगर आप देखेंगे और इक्वेटर तक, तो ये कितना है, 1/4 ऑफ द होल सर्कल, ठीक है. यहाँ से अगर आप इमेजिन करें एक पूरा सर्कल, तो ये कितना है यहाँ का, 1/4 ऑफ 360 degrees, ठीक है. एक पूरा सर्कल का राउंड लेंगे तो कितना डिग्री का होता है, 360 degree. तो यहाँ पे 1/4 अपन ले रहे हैं, इसलिए क्या है, पोल्स में क्या होता है, 90 degree. आगे देखेंगे, एज सच ऑल पैरेलल
नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, जो इक्वेटर के ऊपर का जो नॉर्थ साइड में है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड। सिमिलरली और पैरेलल्स, ठीक है, जितनी पैरेलल लाइंस जो साउथ साइड में जा रही है उसको क्या बोलते हैं, साउथ लैटिट्यूड, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, साउथ लैटिट्यूड। तो हम यहाँ पे आगे देखेंगे, द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर वर्ड नॉर्थ और साउथ, जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस, ठीक है। तो यहाँ ऊपर में जितने लाइंस जा रही हैं उसको हम इंडिकेट किससे करेंगे, नॉर्थ मींस एन, एन से लोकेट करेंगे, और जो नीचे के नीचे का जो लाइंस है उसको हम एस से लोकेट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल बोथ द चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो इन बेलो हॉरिजॉन्टी इन ब्राजील आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ 20 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। कितना लैटिट्यूड में लोकेटेड है, 20 डिग्री लैटिट्यूड में लोकेटेड है, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लैटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट चंद्रपुर इज, ठीक है। अब फिगर 2.2 में एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस, ठीक है। अब आप फिगर में देख सकते हैं, ऊपर वाली फिगर में देखे थे, तो जैसे जैसे हम ऊपर चले जा रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर चले जा रहे हैं, ये जो सर्कल है वो क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, और एक पॉइंट के बाद ये जो पोल है उसमें जाके कन्वर्ज हो जा रहा है, कन्वर्ज हो जाना मतलब मिल जा रहा है। वैसे ही नीचे में भी जो सर्कल्स हैं वो धीरे धीरे, जैसे कि हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है और एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमको तो हमने क्या क्या देखा पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में, ये जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है ये पूरी जो लाइंस हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। पैरेलल मतलब वो इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी। और डिस्टेंस, जैसे जैसे हम ऊपर डिस्टेंस में जाते जा रहे हैं या नीचे साउथ पोल में जाते जा रहे हैं या इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ जाते जा रहे हैं या इक्वेटर से नीचे साउथ पोल की तरफ जाते जा रहे हैं, तो जो डिस्टेंस है इसका क्या होते जा रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है, और टॉप और बॉटम, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जाके ये क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है। और ये भी हमने देखा कि इक्वेटर जो है वो अर्थ को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, टू हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में। एक और फैक्ट हम बताएंगे, जो अर्थ का जो इक्वेटर है वो अर्थ का डायमीटर भी मेजर करता है। तो अर्थ का डायमीटर क्या है, 12,756 किलोमीटर, ठीक है, कितना है, 12,756 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग ये ध्यान देंगे कि जो ये जो हमने पढ़ा पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, ये सब एक दूसरे से क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और लैटिट्यूड क्या फाइंड करता है, एक लोकेशन फाइंड करता है किसी भी प्लेस का, ठीक है। मेजर द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर से नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन में कितना वो डिस्टेंस पे है उसको कैलकुलेट करता है। और क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने लैटिट्यूड का देखा, ये क्या है, सर्कुलर लाइन, क्या है आपकी, ये सर्कुलर लाइन, ठीक है। और इसमें जो एन जो इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन, और एस क्या इंडिकेट कर रहा है आपका, साउथ डायरेक्शन। तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है पैरेलल लाइन के बीच में, ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है, हमेशा आपका इक्वल रहेगा। और इक्वेटर जो रिप्रेजेंट करता है डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है, इक्वेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायमीटर ऑफ अर्थ। जैसे कि मैंने बताया ये कितना है, 12, ठीक है, 12,756, ठीक है। तो अर्थ का डायमीटर कितना है, 12,756। आगे हम देखेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग को देखना है इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में आपके ये आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, पहले ही हमने बताया कि इक्वेटर का क्या है पॉइंट, 0 डिग्री कितना है, 0 डिग्री। द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, एंड देयर आर 4 पैरेलल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। जो इम्पॉर्टेंट पैरेलल लाइन्स है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। पहला जो लाइन है, ठीक है, पहला लाइन जो है आपका इक्वेटर है 0 डिग्री पे। उसके बाद आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, आर्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जोन डिवाइड किए हैं, उसको भी हमको आगे देखना है। तो हम देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कौन से डिग्री में है, 23.5 नॉर्थ, ठीक है, 23.5 नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 साउथ। उसके बाद आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ,
ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, आगे हमको देखना है हीट जोन। ठीक है, हीट जोन ऑफ द अर्थ, जैसे कि यहाँ पे हम टॉर्च देख रहे हैं और ये क्या है, एक बोर्ड है। तो टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइट एंड कवर्स अ स्मॉल एरिया। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्लैंटेड एरिया, स्लैंटेड मतलब तिरछी एरिया पे, इज लेस ब्राइट एंड बट कवर्स अ बिगर एरिया। तो उसी हिसाब से हमको हीट जोन देखना है अर्थ का। अर्थ क्या है, एक स्पीयर है। ठीक है, स्पीयर है, उसमें लाइट जो है वो फुली एक ही जगह पे नहीं आती है। ठीक है, ये हीट जोन आप देखेंगे तो यहाँ से अगर सूरज है, ठीक है, सूरज ठीक से नहीं बना है, सूरज है तो लाइट जो है वो डायरेक्टली इस एरिया पे पड़ेगी। ठीक है, ये जो आपका एरिया है इस एरिया पे पड़ेगी, और ये जो एरिया है यहाँ पे जो लाइट है वो क्या पड़ेगी, कम। ठीक है, लाइट कम पड़ रही है तो वहाँ पे हीट का जो इफेक्ट है वो भी क्या होगा, आपका कम होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। द मिडडे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस ए ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड टॉरिड जोन। ठीक है, इसलिए इस एरिया को क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। मिडडे सन नेवर शाइंस ओवरहेड एट एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल, एज सच द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ एंटार्क्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर एंड दिस आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन। ठीक है, मैं पूरा आपको डायग्राम में सोलो समझाऊंगी, एक बार रीड कर लेते हैं। एरिया लाइंग बिटवीन आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। ठीक है, ये जो एरिया है क्या, ये क्या है, बहुत ही कोल्ड है। एंड इट इज बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज एज मच अबाउट द हॉरिजॉन। ठीक है, यहाँ ये जो एरिया है, यहाँ पे जो सन जो है वो हॉरिजॉन के ऊपर निकलता ही नहीं है। हॉरिजॉन के मतलब एक लाइन होती है जहां से आप देखे होंगे सूरज उगता है। ठीक है, आप जब सुबह सुबह देखेंगे सूरज को उगते हुए, सनसेट के टाइम में एक लाइन होती है जहां से सूरज उगता हुआ नजर आता है, उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन। बट यहाँ पे वो उस पॉइंट से ऊपर दिखता ही नहीं, देयरफॉर इट रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोड्यूसेस लेस हीट। यहाँ पे बहुत ही मिनिमम हीट रहता है, इसलिए ये एरिया को क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। ठीक है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। अब हम डायग्राम से समझेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो लिखा है उसको पढ़ के तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला क्या है क्या नहीं है करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लाइन्स देख चुके थे, इंपॉर्टेंट जो पैलर्स ऑफ लैटिट्यूड है हम लोग देख चुके थे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रॉपिकल जोन, ठीक है, या फिर टॉरिड जोन। ठीक है, ये जो वर्ड टॉरिड है, इस वर्ड टॉरिड का मतलब होता है ड्राई एंड हॉट। ठीक है, वर्ड टॉरिड का मतलब क्या होता है, ड्राई एंड हॉट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासस थ्रू, ठीक है, ये जो एरिया है, यहाँ पे जो सन है, सनलाइट, ठीक है, यहाँ पे हम सन बना लेते हैं, यहाँ पे जो ये जो सन है, सन की जो लाइट है, ये यहाँ से क्या पड़ती है, यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है, ये जो सन से यहाँ पे डायरेक्ट लाइट पड़ता है। तो ये जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का, ये क्या है, बहुत ही ड्राई और हॉट एरिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमेशा क्या होती है, गर्मी। ठीक है, यहाँ पे हमेशा गर्मी ज्यादा होती है। ठीक है, एक और फैक्ट देखेंगे, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ये वाला जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया से भी पास होता है। ठीक है, ये कहाँ से पास होता है, इंडिया से भी पास होता है। एंड द सदर्न हाफ, ठीक है, जो साउथ सदर्न हाफ जो है, इंडिया का मतलब हाफ पार्ट, साउथ है ना, सदर्न पार्ट जो है वो इस जोन में पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहां से पास होता है, और जो टॉरिड जोन है वो इंडिया का हाफ जो पार्ट है वो टॉरिड जोन के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन दो पार्ट में है, नॉर्थ एंड साउथ टेम्परेट जोन। कौन से जोन है, नॉर्थ और साउथ टेम्परेट जोन। तो यहाँ पे जो सन का जो लाइट है, ठीक है, वो क्या रहता है, मीडियम। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे स्लैंटिंग हो गया, ठीक है, तिरछा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रहता है, मॉडरेट हीट रहता है। सन नेवर कम्स ओवरहेड, एकदम ऊपर नहीं आता, जैसे कि इंडिया में आप देखेंगे, जहाँ पे भी आप जिस लोकेशन में रह रहे हैं, तो हमारे सिर के ऊपर आता है, जो परछाई क्या रहती है, एकदम छोटी परछाई दिखती है, तो वैसा जो माहौल है वो यहाँ पे नहीं दिखता। ठीक है, तो सन इज नेवर ओवरहेड एंड ऑलवेज रिसीव स्लैंटिंग रेज, ठीक है, तिरछी रेज यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट रेनफॉल होता है।
और ये जो एरिया है ये ट्रॉपिक ऑफ सॉरी नॉर्दर्न टेम्परेट जोन और सदर्न टेम्परेट जोन। तो इस एरिया में कौन से कंट्रीज आते हैं आपके, कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं? यूरोप आता है, नॉर्थ अमेरिका आता है, एशिया और साउथ अमेरिका। ठीक है, ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, कौन सा? यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया और साउथ अमेरिका। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा ना ही ज़्यादा हॉट होता है और ना ही ज़्यादा कोल्ड होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रिट जोन। तो एक नॉर्थ में फ्रिट जोन है और एक साउथ में फ्रिट जोन है। तो फ्रिट जोन किसके किसके बीच में है? नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल और साउथ पोल और एंटार्कटिक सर्कल के बीच में है। तो फ्रिट जोन जो है कोल्डेस्ट रीजन है। ठीक है, हमारे अर्थ का क्या है? कोल्डेस्ट जोन है। यहाँ पे मिनिमम सोलर एनर्जी आती है, बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, और हायर जो एटीट्यूड्स है, जो थोड़ा सा भी एटीट्यूड मतलब हाइट, हायर हाइट वाले जो एरिया है वहाँ पे तो सन की रेस आती ही नहीं है। तो वहाँ पे कैसा होता है? 6 months a day, एक दिन कितने का रहता है? 6 months का, और एक नाइट कितने की रहती है? 6 months की। ठीक है, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, ऐसा प्रोसेस वहाँ पे होता है। वहाँ पे कोई नहीं रहता, देर इज नो परमानेंट इनहैबिटेशन। ठीक है, नो परमानेंट इनहैबिटेशन मीन्स वहाँ पे कोई भी ह्यूमन लाइफ नहीं है। और सम ठीक है, और रिसर्च के पर्पज से कुछ रिसर्च स्टेशन यहाँ पे बनाए गए हैं, जो फ्रिट जोन है वहाँ पे रिसर्च स्टेशन बनाए गए हैं। तो ये हुआ आपका पूरा लैटिट्यूड के बारे में, एक्सेस क्या होता है। तो हमने क्या क्या जाना आप यहाँ पे, ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। हमने क्या क्या जाना यहाँ पे? ग्लोब क्या होता है? ठीक है, ग्लोब एक लैटिन वर्ड ग्लोबस से बना हुआ है, दैट मीन्स राउंड। उसके बाद हमने क्या देखा? एक्सेस के बारे में देखा। उसके बाद हमने क्या देखा? इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर, ठीक है, सर्कमफेरेंस, जो अर्थ का जो सर्कमफेरेंस डायमीटर है उसको उसको पॉइंट आउट करता है, और 0 degree पे होता है। उसके बाद हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में जाना। उसके बाद हमने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में जाना कि ये पैरेलल लाइंस होती है जो नॉर्थ और साउथ पोल में जाके कन्वर्ज होती है। उसके बाद हमने जाना कि डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जो हीट जोन्स हैं उसके बारे में भी हमने जाना। ठीक है, उसके बाद आपका आता है लॉन्गिट्यूड, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप मुझे मुझे ये लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैं लेक्चर दे रही हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो जो डिस्कस करेंगे वो लॉन्गिट्यूड के बारे में होगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझेंगे तब आगे की चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।